Hi beautiful angels, this is Miss Trixie from Magic Wands Tarot and this is your bigger card reading for what are his or her current feelings for you. बहुत सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, सो ये रीडिंग आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है. इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी ये रीडिंग्स के लिए, सो हियर इट इज़ नाउ. प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, भूलें ना आप बिल्कुल भी. अगर आप ऑलरेडी देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मेरा न्यू ईयर अच्छा अच्छा कर दीजिए. मैं आपके लिए रोज़ एक रीडिंग लाने की कोशिश कर रही हूँ और आपका सपोर्ट मुझे और मोटिवेशन देता है. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग. अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं फ्रेंड्स. और मैजिक वैंस टैरो को आप ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई पोस्ट देयर, सो वहाँ पे भी आप ज्वाइन करिएगा. और ये जनरल रीडिंग्स हैं फ्रेंड्स, हो सकता है ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें या नहीं भी कर सकती हैं. सो जो रेजोनेट कर रहा है आप उसे ले लें, बाकी जाने दें. और ये टाइमलेस हैं, आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के लिए आपको गाइड करेगी. सो चलिए आज की चॉइसेस हमारी, हमारा क्वेश्चन है करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लवर, आपके क्रश की, पार्टनर की, जो भी पर्सन, आपके फ्रेंड भी हो सकता है कोई आपका, तो क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, लवर की. और आज के ऑप्शंस हैं हमारे पायल नंबर वन, दिस ब्यूटीफुल ब्लू स्पार्कल डॉट सर्किल. पायल नंबर टू, दिस ब्यूटीफुल पिंक. पायल नंबर थ्री, दिस ब्यूटीफुल ऑरेंज. फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री. टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली जाके वहां से क्लिक कर सकते हैं. आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं. आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बेल आइकन क्लिक करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसे लगी. मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए इंसिस्ट करने पे मैं ये करती हूँ हिंदी में, अदरवाइज़ आई वुड प्रेफर इंग्लिश. बट लेकिन आप लोगों का प्यार बहुत मिला है, इसलिए थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिए मुझे ऐसे ही. अगर आपने ये ब्लू वाला पाइल चूज़ करा है, चलिए देखते हैं हाउ योर पर्सन फील्स अबाउट यू. रोमांस एंजल का मैसेज हम एंड में चेक करेंगे. करंटली कैसी फीलिंग है आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, लाइफ में. ऑलराइट ही, सो आपके कार्ड है नॉट फॉर यू, बाय द बुक, बैलेंस, टू ऑफ स्प्रिंग्स एंड फाइव ऑफ कप्स. आपके जो पार्टनर हैं या जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं पाइल नंबर वन, इस टाइम हो सकता है ये आपके लवर हों, एक्स हों, या फिर ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी आप लव, वैसे ये लव के लिए ही हैं रीडिंग्स, लेकिन आप किसी भी पर्सन पे यूज़ कर सकते हैं अपनी सिचुएशन. और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लड़के हैं, लड़की हैं, ये रीडिंग सब के लिए है और आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिएगा प्लीज़. मैं जनरली ऐसे बताती हूँ, जो मोस्टली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं विमेन हैं, इसलिए मैं वैसे बताती हूँ जनरली. सो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं करंटली, उन्हें काफ़ी दुख है, वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं. कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक आप लोग अभी जिसके भी बारे में आपने पूछा है, आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं, आपके टच में नहीं हैं, आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं. मुझे लग रहा है जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, उनको पछतावा है, दुख है, चीज़ें सही नहीं चली आपके साथ, जैसे चाह रहे थे वो वैसी नहीं हो पाई. देर वर डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे सेटबैक्स आप लोगों की फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप्स में हुए, और उनको इस बात का दुख है, पछतावा है. और शायद वो अभी सिर्फ लॉसेस पे फोकस कर रहे हैं कि कितना, मतलब किस तरीके से चीज़ें ख़राब हो गई, एकदम से पता ही नहीं चला. हो सकता है जो आपके पर्सन हैं वो एरीज, लियो, सेगिटेरियस हों, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हों, या वर्गो, टॉरस एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे, या ये आपके सनसाइंस हो सकते हैं. एरीज, लियो, सेगिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड वर्गो और टॉरस की भी एनर्जी आ रही है यहाँ, या लिब्रा भी हो सकते हैं वो, या आपके सनसाइंस हैं ये. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये इंसान जो अभी करंटली इनकी फीलिंग लॉस की है, सैडनेस की है, मिस कर रहे हैं आपको, बता नहीं रहे हैं,
बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो जाके लगेगा बहुत बिजी बता रहे हैं अपने आप को, अगर आप इनकी पिक्चर्स वगैरह देखेंगे। हाँ बिल्कुल, दे आर बिजी राइट नाउ, लेकिन ये साथ साथ आपको काफ़ी मिस भी कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, और पछतावा भी है कोई चीज़ जो अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसका इन्हें दुख है। हो सकता है जब आप लोग इनसे कभी मिले हो तो ये जब ये आप रिलेशनशिप में रहे हो ये डबल माइंड्स में थे उस वक्त, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहिए या आगे क्या करना चाहिए। आपके जो पार्टनर हैं थोड़े से ट्रेडिशनल हैं, थोड़ा वो मतलब दिल और दिमाग के बीच में फंस जाते हैं मुझे ऐसा लगता है। उनको समझ में नहीं आता दिल की सुने या दिमाग की सुने, और इस वजह से काफ़ी सारे वो प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में खड़े कर लेते हैं। और मुझे लगता है आप लोगों के अगर बात नहीं हो रही अभी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो इसी वजह से हुआ था कि वो पहले उनको समझ में नहीं आता कि वो दिल की सुने दिमाग की सुने, और बहुत उस वजह से काफ़ी उनको आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हुई होंगी, और उस अभी उनको उस बात का बहुत दुख है। दे मिस यू, उनको मिस भी, वो आपको मिस भी कर रहे हैं और आपको बताना भी नहीं चाह रहे हैं, कि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत बिजी हैं वो वर्क में। और हाँ, वो वर्क पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने ऑब्सेस्ड हैं थोड़े अपने काम को लेके, सारा दिन उनको काम और होम या पार्टनरशिप्स बैलेंस करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फैमिली की तरफ से भी उन्हें कोई प्रॉब्लम रही हो और वो चीज़ भी आप लोगों के रिश्ते में आई हो, तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने की। अगर आप सोशल मीडिया पे उन्हें देखेंगे उनकी पिक्चर्स वगैरह तो वो बहुत अपने आप को बिज़ी दिखा रहे हैं, भी शायद वो अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन वो अपने दिमाग और दिल के बीच में एक बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, और अपने काम और अपने फैमिली के बीच में भी कि कोई एक बैलेंस की जगह मिले जहाँ से वो फिर आपसे वापस आके बात कर सकें। क्योंकि दो बार ये कार्ड आया है बैलेंस का, देखिए सेम कार्ड्स हैं दोनों ही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले थोड़े इमेच्योर रहे होंगे, थोड़े लाइक हाँ मैं तो मेरा काम करूँगा या मैं तो मेरे मन का करूँगा, ऐसा कोई इनका एटीट्यूड रहा होगा आपके पर्सन का पहले। लेकिन अब वो थोड़ा मैच्योरिटी में आए हैं और थोड़ा उनमें मैच्योरिटी आ रही है कि नहीं ये तरीका सही नहीं था, द वे आई बिहेव्ड विद यू, जैसे उन्होंने आपके साथ बिहेव करा इन द पास्ट वो सही नहीं था। उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है और वो इस चीज़ को ठीक भी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू ब्रिंग द सिचुएशन इन टू बैलेंस। अगर वो ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, सिर्फ काम पे फोकस करते थे, तो वो इस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। उन्हें दुख है कि ऐसा हुआ है, ये रिश्ता उनको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनको लगता है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप लड़के भी हैं लड़की भी हैं, दे सी यू कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत डिज़र्विंग हैं, उनसे किसी अच्छे इंसान को आप बहुत आपको कोई भी मिल सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। इसलिए वो शायद थोड़े ईगोइस्टिक थे, थोड़े डरे हुए थे और थोड़े कंफ्यूज थे। उनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा केपेबल और बहुत सुंदर या बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपको उनसे अच्छा कोई भी पार्टनर मिलेगा, इसलिए थोड़े वो जेलस भी हो सकते हैं। ये वाली प्रॉब्लम्स भी हुई होंगी आपको, अभी भी वो थोड़े जेलस फील करते हैं, क्या पता आप किसी और को डेट कर रही हैं, ऐसा भी है शायद। अभी भी थोड़े डबल माइंड्स में हैं, लेकिन थोड़ा मैच्योर हो गए हैं और अभी मिस ज़रूर कर रहे हैं आपको बाय द बुक्स। ये पर्सन ये मैसेज भेजना चाह रहे हैं आपको, मुझे लग रहा है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि हम ट्रेडिशनल तरीके से करें। ट्रेडिशनल हैं थोड़े, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना प्रेफर करते हैं, अगर ये ज़्यादा बोलना भी प्रेफर नहीं करते मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है ये अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प लेके आपको मैसेज भेजना चाह रहे हो या पता करना चाह रहे हो कि आप सिंगल हैं या नहीं, और ये ट्रेडिशनली करते हैं चीज़ों को और करना भी अभी ट्रेडिशनल चाह रहे हैं। अगर मतलब इन्होंने आपको पहले डेट किया हो तो अब ये आपको ट्रेडिशनली जैसे कोर्टशिप करते हैं वैसे करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि पहले जैसे भी इन्होंने आपसे बिहेव किया था वो सही नहीं था और उस बात का इन्हें रिग्रेट है। और 11-11 यहाँ पे नंबर आया है, एब्सोल्युटली हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, या आपसे आप जो भी हैं, ये इनका आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कार्ड भी आया है। ये आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया भी चेक करते हैं और ये मैच्योर हो रहे हैं, हील भी कर रहे हैं दिल और दिमाग का कन्फ्लिक्ट, नॉट फॉर यू। और मुझे लगता है कि इनको ये सोच रहे हैं कि जब पहले आप मिले थे इनसे, अगर आप टच में नहीं हैं तो अगर कोई लड़ाई झगड़े हुए थे तो इनको लगता है कि टाइमिंग उस वक्त गलत था, ये रेडी नहीं थे या आप रेडी नहीं थी, कुछ
टाइमिंग का प्रॉब्लम था, इस वजह से चीज़ें सही नहीं हो पाई। ये शायद वर्क में बहुत बिजी थे, ध्यान नहीं दे पाए, पूरा टाइम नहीं दे पाए, या ये ईगो में थे, बात नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं थी चीज़ें उस टाइम, इसलिए चीज़ें खराब हुई, इनको ऐसा लगता है। और नंबर 6 द एंजल ऑफ लव का नंबर है, सो ये दे वॉन्ट टू सेंड यू अ मैसेज, ये मैसेज करना चाह रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल्स का क्या मैसेज है। हीलिंग फैमिली इशूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सी बिल्कुल ये चाहते हैं आप इन्हें माफ़ कर दें, और बिल्कुल ये मैसेज देना चाहते हैं, और ये दिल और दिमाग के जो कन्फ्लिक्ट हैं उसको बैलेंस कर रहे हैं अपने, और मैच्योर हो रहे हैं, ईगो को कम कर रहे हैं, बिल्कुल अभी ये इस पर काम कर रहे हैं। हो सकता है ये अपने वर्क और करियर को भी बना रहे हों, ताकि आपको ये कोई ट्रेडिशनल वे में ही प्रपोज़ कर सकें, रेदर देन कमिंग आउट आपसे एक इमेच्योर पर्सन की तरह मिलें। उससे अच्छा ये चाहते हैं कि ये आपको एक मेच्योर पर्सन की तरह आके डेट करें बस, या आपसे शादी करें या प्रपोज़ल दें। सो पायल नंबर 1, बहुत बहुत अच्छे आपके कार्ड्स आए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने हिंदी में की है। अब आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जस्ट किडिंग फ्रेंड्स। ज़रूर बताएं मुझे ये रीडिंग रेजोनेट करी कि नहीं आपको, और चलिए देखते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। और पायल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके क्या पर्सन फील कर रहे हैं। कितना अच्छा कलर है इसका, पिंक पिंक। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं करंटली देखते हैं। वो बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके फाइल नंबर 2, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए। आपके पर्सन जो हैं, आपके कार्ड्स हैं गो द डिस्टेंस थिंकर, द लवर्स, द 10 ऑफ समर्स एंड द किंग ऑफ स्प्रिंग। आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हैं, या तो वो आपके, मुझे तो लग रहा है लवर ही हैं, लेकिन हो सकता है कलीग वगैरह हो, फ्रेंड भी हो सकते हैं, डेट हो सकती है आपकी। हाँ, लेकिन कैसा फील कर रहे हैं ये जो आपके, जिसके भी बारे में पूछा आपने, ये पर्सन करंटली आपको बहुत पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये आपको देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, और हो सकता है इन्होंने कोई अभी तक मूव नहीं करा है, या कोई बात शेयर नहीं करी आपसे, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। स्पेशली अगर आप ये लड़के हैं और आप लड़की हैं, तो आपकी ब्यूटी, आपका जो सेंस ऑफ स्टाइल है या बोलने का तरीका है, ये उससे बहुत अट्रैक्टेड हैं अभी राइट नाउ। आप भले इनसे टच में ना हो, लेकिन अगर ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे, जी हाँ बिल्कुल, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, ऑब्सेस्ड है ये आपको लेके, सारा दिन आपके बारे में सोचते हैं, भले ही ये दिखाते नहीं हो, बोलते नहीं होंगे शायद, क्योंकि थोड़े एगोइस्टिक हैं और थोड़ा इनमें प्राइड भी है, भले ये लड़का हो या लड़की, जनरल हैं ये रीडिंग्स फ्रेंड्स, पर बहुत ज़्यादा ये आपसे अट्रैक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, और मुझे लगता है कि ये हो सकता है ये न्यू फ्रेंडशिप हो, न्यू कनेक्शन हो जिसके बारे में आपने पूछा हो। तो क्या फील कर रहे हैं, वो बहुत पसंद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और वो चाह रहे हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ जाए, और इतना आगे बढ़े कि शादी हो आप लोगों की, या कोई डीपर कमिटमेंट आए। अगर ये पुराना रिश्ता है तो भी वो आपके बारे में ऑब्सेस्ड हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको, आपके DPs, आपके जो अपडेट्स हैं सोशल मीडिया में वो चेक करते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं, और वो खुद बहुत पैशनेट हैं आपको लेके। हो सकता है वो आपको शेयर भी नहीं करना चाहते किसी के साथ, इतने ज़्यादा पैशनेट और इतने ज़्यादा पोजेसिव हैं वो आपको लेके। हो सकता है वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हों जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या एरीज, लियो, सेगिटेरियस हो सकते हैं, या आप इन सन साइंस में से हैं, और वो क्या चल रहा है उनके दिमाग में अभी, वो आपको लेके बार बार सोच रहे हैं। 44 देखिए, एंजल नंबर 44, बिल्कुल डेफिनेटली 44 इज़ द एनर्जी ऑफ बैलेंस स्ट्रक्चर। ऑब्सेस्ड हैं वो आपको लेके, दिन रात सुबह शाम सोचते हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो कोई मूव प्लान कर रहे हैं अभी जिसके बारे में आपको नहीं पता है, और हो सकता है आप भी उनके बारे में रेगुलरली सोचती होंगी, और आप परेशान भी होंगी कि पता नहीं बार बार क्यों ये दिमाग में आ जाते हैं मेरे। ऐसा भी मुझे फीलिंग लग रही है यहाँ पे। हो सकता है आप किसी इवेंट पे, या फैमिली इवेंट पे, या फ्रेंड्स के साथ मिले हों कभी, कोई हैप्पी मेमोरी है आप लोगों की जिसको भी ये बार बार सोचते रहते हैं, और या ये कोई हैप्पी मेमोरी आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपके पर्सन जो हैं
बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, एंड और बताते नहीं हैं। सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ मुझे लग रही है कि ये कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं जो कि ये आपको नहीं बता रहे हैं, और ये बहुत खुश है इस रिश्ते से, या ये कुछ हैप्पी मेमोरीज़ और क्रिएट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन आपके हैं, ये आपको कोई कम, ये चाहते हैं, इनको लगता है कि ये जो आपके साथ रिश्ता है, फ्रेंडशिप है, या जो भी कनेक्शन है आप लोगों का, ये लॉन्ग डिस्टेंस चलने वाला है, इसमें इतना पैशन है, इसमें इतना लव है, इतना वार्म्थ है आप में, इतनी आप जो इतनी समझ है आप में और उनमें कि ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, ऐसा उनको लगता है, और वो चाहते भी यही हैं कि ये रिश्ता बहुत लंबा चले, लेकिन वो थोड़े कैसे समझाऊँ मैं आपको हिंदी में, कि थोड़े ज़्यादा फर्स्ट मतलब कॉम्पिटिटिव मोड, उनका नेचर थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, वो हमेशा हर काम को जल्दी पहले करना चाहते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसमें वो विनर रहना चाहते हैं, इस वजह से वो थोड़े हेजिटेंट हैं कि उन्होंने अभी कोई आपको अगर वो मिस भी कर रहे हैं तो बताया नहीं होगा, क्योंकि वो जब आपको बताएंगे तो वो जब ही बताएंगे जब वो उनको पूरी श्योरिटी होगी कि हाँ जो वो आपको अगर प्रपोज करेंगे तो आप हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि उनको लूज़ करना हारना अच्छा नहीं लगता है, वो विनर हैं जो आपके पर्सन हैं, और उनको लगता है ये पार्टनरशिप जो आपके साथ है, कनेक्शन उनका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत लंबे समय तक चलेगा, और वो चाहते हैं आपको कोई कमिटमेंट देना, हो सकता है वो प्रपोज़ करना, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, क्रश के बारे में पूछ रहे हैं अपने, सिंगल हैं, तो यस कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको प्रपोज करना चाह रहा है, ये आपका फ्यूचर पार्टनर भी हो सकता है, क्रश डेट कुछ भी हो सकता है, अगर आप किसी कपल के अपने एक्स पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल वो आपको बहुत पसंद करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस चाहते हैं, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, अभी बात नहीं हो रही अलग अलग सिटीज़ या कंट्रीज़ में हों, नेशनैलिटीज़ भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ प्यार इतना है, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से, और ये चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है वो आपको प्रपोज़ करना चाह रहे हैं या तो राइट नाउ, या कुछ प्रॉमिस देना चाह रहे हैं, कुछ बात है जो वो बताना चाह रहे हैं आपको, और मुझे तो लग रहा है डेफिनेटली प्रपोज़ल ही है जो वो देना चाह रहे हैं आपको, और नॉट जस्ट एनी प्रपोज़ल, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या उनके मन में है कि हाँ ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत लंबे टाइम चल सकता है, इसमें ये पूरी सारी खूबियाँ हैं इस रिश्ते में जो ये चल सकता है आगे, और ये आपको शादी करना चाहते हैं, और ये सोचते हैं कैसा होगा आपसे शादी करके, कैसा लगेगा, हाउ योर हैप्पी चिल्ड्रेन मैरिड लाइफ विल बी, ये सब के बारे में ये सोचते हैं, और इनको बहुत हैप्पी, अगर आपके साथ इन्होंने हैप्पी टाइम्स रहे हैं, आप लोगों की मेमोरीज, तो उसको बहुत ये रिविज़िट करते हैं, बार बार सोचते रहते हैं उसके बारे में, और ये अगर आप इन्होंने अगर आपको प्रपोज़ नहीं किया, बताया नहीं, तो करने वाले हैं, तैयार हो जाइए, मैंने आपका सरप्राइज़ उनका पहले ही ख़राब कर दिया, आपको पहले ही बता दिया, बट दैट्स माई जॉब। और क्या आ रहा है, और ये बहुत पजेसिव हैं आपको लेके, ये बिल्कुल मतलब ये चाहें भी आपको भूलना तो भूल नहीं पा रहे हैं, और आप भी इनको चाहें भूलना तो आप भूल नहीं पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों का, आप अपोजिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्यार, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। रोमांस एंजल्स का मैसेज देख लेते हैं, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। जी हाँ बिल्कुल, ये प्लान ही कर रहे हैं कि कैसे बताएं आपको, कैसे मतलब ये दिस पर्सन जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल क्या करना है, और बट ये प्लान कर रहे हैं, और ये बिल्कुल एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार आपको। फाइल नंबर टू, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, कंग्रेचुलेशंस। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैसेजेस आएंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये रीडिंग रेजोनेट की। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए फ्रेंड्स, वेब डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारी वेबसाइट विजिट करें आप, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए देखते हैं पाइल नंबर थ्री, हाउ योर पर्सन इज फीलिंग करंटली अबाउट यू। पहले ही इतने अच्छे कार्ड्स हैं आपके, देखिए ये कार्ड्स हम बाद में चेक करेंगे। इतने अच्छे कार्ड्स के बाद एकदम से इतने खराब कार्ड्स, मतलब खराब इन द सेंस कि कुछ थोड़ी टेंशन वाले कार्ड्स भी आए हैं, क्या चक्कर है, देखते हैं। चलिए
तो आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान किया, मुझे ऐसा लग रहा है। या भागते रहते हैं इन एंड आउट आपकी लाइफ में से। अगर आप इनसे बात करना चाहती हैं तो हो सकता है दूर 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 भागते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं बात करूँगा। हो सकता है इन्होंने, प्लीज़ आप मेरी हंसी को माइंड मत कीजिएगा, कि ये बहुत एक्चुअली आप मैं जैसे देख रही हूँ ये बहुत ही वो है कि ये आपसे दूर भाग के जाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अजीब सा हो रहा है। हाँ, अगर आप इसको समझ पाएँ तो हम बिल्कुल, ये इन एंड आउट आपकी लाइफ में जाते रहते हैं, इस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई होंगी। इनफैक्ट आपको इस वे आप इनके पीछे जाती होंगी कि अरे हमसे हमें बात करनी है, वी शुड टॉक, लेकिन ये नहीं नहीं मुझे बात नहीं। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया हो आपको, या आपने इनको कर रखा हो, आप दोनों ने कर रखा हो एक दूसरे को। कुछ तो यहाँ पे चल रहा है कि हो सकता है ट्रस्ट भी इन्होंने आपका कभी तोड़ा हो, या ट्रस्ट इश्यूज हुए हो, आपको इन पे डाउट हुआ हो, या ये मेरे को तो रनिंग और चेजिंग वाली वाइब आ रही है कि आप जैसे जब ये बात आपसे करना चाहते हैं तो आप रेडी नहीं होती हैं, बट मुझे जनरली तो ये वाइब आ रही है कि आप जब बात करना चाह रही थी दूर दूर भागते रहे जब, तो और उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं आप दोनों के बीच। और इन एंड आउट ये आपकी लाइफ से जाते रहते हैं, जब मतलब जब आप कुछ नहीं करती हैं तो ये वापस आ जाते हैं, जब आप आगे बढ़ना चाहती हैं या कोई आपको मिल जाता है तो ये वापस आ जाते हैं, जब आप इनसे बात करना चाहती हैं तो ये फिर भागना शुरू कर देते हैं। बहुत अजीब सा, और ये बहुत ही कॉमन है, आप इसको बुरा मत मानिए, बहुत ही कॉमन फिनोमेना है ट्विन फ्लेम्स में, पार्टनरशिप्स में। मुझे लग रहा है ये करंटली अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ये कुछ गलत तो कर चुके हैं आपके साथ, ट्रस्ट आपका तोड़ चुके हैं, आपसे दूर भी भाग चुके हैं, आपको ब्लॉक भी कर चुके होंगे, हर्ट तो किया है इन्होंने आपको, और ये अभी उसको लेके परेशान भी हैं। और इनको मेरे को लग रहा है रात को नींद भी नहीं आती है। आपको लगा होगा कि ये बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस हैं लाइफ में, बहुत, अगर ये लड़के हैं तो आपको लगा होगा इनके पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत लड़कियां हैं, क्या ये तो बिल्कुल लॉयल ही नहीं है पर्सन। पर अभी क्या चल रहा है, ये सब इनको पता है, जो इन्होंने आपके साथ ये भाग रहे हैं, बात नहीं करते हैं, ब्लॉकिंग की एनर्जी है। मुझे नहीं लग रहा कि उनके पास कोई और है फिलहाल तो, बट मुझे लग रहा है वो एक रेस्टिंग मोड में है, जैसे वो अभी थोड़े थक गए हैं अपने इमोशनल, उससे खुद ही ये जो भाग रहे हैं उससे परेशान है, वो कमिटमेंट इश्यूज हैं उनको कुछ, वो ईज़िली कमिट नहीं कर पाते हैं, ईज़िली टाइम नहीं दे पाते हैं, कुछ इंटरनल ही उनके अंदर प्रॉब्लम या वरी हो सकती है। वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, और डेफिनेटली उनको लगता है कि कुछ चीज़ गलत हुई, उन्होंने जैसे आपके साथ बिहेव करा वो सही तरीका नहीं था, गलत तरीका था, उनको थोड़ा आपसे अच्छा बिहेव करना चाहिए था, ब्लॉक अगर उन्होंने करा तो वो सही नहीं था, और वो जानते हैं कि उनको चीज़ें ठीक करनी है, वापस आना है उनको और सॉरी बोलना है, वो चाहते हैं ये। और वो डेफिनेटली हो सकता है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी हो सकते हैं, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, या ये आपका सनसाइन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, जो ऑल दो वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं लेकिन वो स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं आपका सोशल मीडिया किसी और अकाउंट से या किसी और, उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं कि वो आपको दूर से देख रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, ऐसी फीलिंग है मुझे। अपने फ्रेंड्स अगर आपके कॉमन है तो वो उनसे भी पूछ रहे होंगे, और यहाँ पे आपको लगा हो सकता है थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन रही हो यहाँ पे, कि वो किसी कार्मिक के साथ थे, या कोई और उनकी लाइफ में मदर फैमिली या सिस्टर या फ्रेंड्स इंटरफेयर कर रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम रही हो। लेकिन उनको लगता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको ऐसा, आप दोनों बिल्कुल सेम हैं, लेकिन कहीं पर उनको लगता है कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं हर चीज़ में, और इस वजह से उनको डर लगता है, उनको कमिटमेंट इश्यूज आते हैं इस वजह से, जो कि आपकी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से हैं, बट उनको ये चीज़ अब बैलेंस करनी है, वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो हुई गलत हो गई इसको ठीक करना चाहिए, करना भी चाह रहे हैं वो उसको ठीक अभी। और उनको लगता है ये फेटेड कनेक्शन है, हायर पावर्स इस कनेक्शन के साथ हैं, आप उनको एक गिफ्ट की तरह मिली हैं, और आप एक बिल्कुल आप दोनों मिरर करते हैं एक दूसरे को, ट्रिगर भी करते हैं मुझे लग रहा है।
हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो और ये डेस्टाइंड और फेटेड कनेक्शन है। अगेन यहाँ पे सोल ट्राइब का कार्ड है, बिल्कुल फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ से, कॉमन फ्रेंड्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी और उनको अब समझ आने लगा है कि हाँ अगर ज़्यादा मैं इधर उधर सबकी बातें सुनूंगा तो मेरा खुद का ही रिलेशन ख़राब हो रहा है। तो उस वो चीज़ अब उन्हें रियलाइज़ हो रही है और कुछ कार्मिक चीज़ें हुई हैं जो हो सकता है वो दूर भाग रहे थे किसी अपने कार्मिक रीज़न की वजह से हो सकता है, लेकिन वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, उनको ये चीज़ पता है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप दोनों को वो आप दोनों कितना भी एक दूसरे से भाग लें इवेंचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ ही आते हैं और वो आएंगे आपसे बात करना चाह रहे हैं और वो जो इनजस्टिस हुआ है उसको क्लियर भी करना चाहते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, चलिए देखते हैं रोमांस एंजल्स फॉर गिविंग एंड लर्निंग। देखिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ है मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें फॉरगिव कर दें पास्ट के लिए और वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आप खुद पे आपसे बहुत प्राउड फील करते हैं आपको देखते हैं जब वो, क्योंकि आप अपने आप को बहुत पसंद करती हैं और वो शायद उस एरिया में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनके कमिटमेंट इश्यूज भी हैं थोड़े, लेकिन वो चाहते हैं आप उन्हें माफ़ कर दें ताकि वो वापस आ सकें और चीज़ें ठीक करके आपको ये सोलमेट रिलेशनशिप दे सकें। सॉरी तो वो डेफिनेटली हैं और मिस भी कर रहे हैं आपको और उन्हें पता है ये कनेक्शन फेटेड है। इफ़ अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है फ्रेंड्स, ज़रूर 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 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे बताएं कमेंट्स में कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी या नहीं करी। और अपनी पर्सनल रीडिंग खरीदने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वेबसाइट विजिट करें फ्रेंड्स। और थैंक यू, अभी बहुत थैंक यू, आप लोगों के बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, दिस इज़ मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।